नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब चाहे कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन अब आपके सफलता की गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दें कि अब आपका वह समय दोबारा से लौट कर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप यह बात जानते हैं कि भगवान हमेशा अच्छे कर्म वाले को अच्छा ही फल देते हैं, भले ही थोड़ा उनके जुनकाल में देरी होती है, लेकिन दोस्तों उनके साथ नाइंसाफी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पिछले समय कोई गलती किए थे, पिछले समय आपने कोई ऐसी गलती से कार्य कर दिए थे जिनका परिणाम आपको पिछले समय बहुत ही बुरा मिला था, लेकिन दोस्तों अब आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ समय से ही आपके कामों में जो वृद्धि हुई है, जो आपके कर्मों में वृद्धि हुई है, उनके अनुसार अब आपको बहुत ही अच्छे फल मिलने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो दुश्मन आपके पीठ पीछे कहा करते थे, दोस्तों अब उनके भी जीवन काल में उन्हें पता चल जाएगा कि वक्त फिर से आपका लौट कर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध करेंगे कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है, दोस्तों इन्हें पाकर आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो चीज चाहते हैं दोस्तों वे सभी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है। यूं कहें, इस वीडियो में आपको सफलता की वह चाबी मिलेगी जिन्हें पाकर आप पूरे गांव समाज में अपना नाम को रोशन कर सकते हैं। आपके ही नाम के चर्चे हर जगह होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके कुंडली की जो स्थिति है वह बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये सारा का सारा आपके अच्छे कर्मों का ही फल है, जो कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष से वो समाप्त होने वाले हैं और आपके कुंडली में अच्छे शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जिनके कारण आपके जुनकाल में आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं। कौन कौन से लाभ मिलेंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ अब आपको आने वाले समय में मिलने वाली है, दोस्तों इसकी बहुत ही सटीक जानकारी, 100% सटीक भविष्यवाणी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी से कहते हैं कि समय निकालकर आज के वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी और आपकी जुनकाल पूरी तरह सफल हो जाएगा। जो भी कार्यों में विघ्न बाधाएं आती थी दोस्तों वे सभी खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब आपकी कुंडली में न्याय की देवता भगवान शनिदेव का नजर पड़ चुका है। अब आपके कुंडली का भी हिसाब होने वाला है। दोस्तों आने वाले समय में आपको कौन कौन से बड़ी खुशखबरियाँ, कौन कौन से बड़े शुभ अवसर मिलने वाले हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान शनिदेव आप सभी के सारे कष्टों को हर लेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यह समय किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। समाज में और परिवार में आपका मान सम्मान भी यश में बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को यश में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल होने की संभावना बन रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों इस यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो किसी पड़ोसी द्वारा घर में कोई गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दूसरों का हस्तक्षेप अपने परिवार पर न होने दें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में धन संबंधी निवेश बहुत ही आपको सोच समझकर विचार करके ही इनमें निर्णय लेना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी को पैसा यश में उधार ना दें, क्योंकि दोस्तों रुक रुक कर वापस मिलने की संभावना बन रही है, इसलिए दोस्तों यश में आप इन झंझट में ना पड़े, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी आप यश में पिछले समय में मेहनत किए थे, दोस्तों वह सारे प्रयत्न आपके लिए यश में सफल होंगे और इनमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी।
दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के सभी लोगों के साथ संबंध इसमें अच्छे बनने की वजह से मन को भी इसमें आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। नए कार्य की योजना करने के लिए परिवार और मित्रों का भी इसमें आपको साथ प्राप्त होगा। और दोस्तों खुद के जीवन को और बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा यश में किए भी जा सकते हैं, जो कि आपके आगे चलकर बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको अपने किसी विशेष कार्यों को पूरी करने में सहायक साबित होंगे। तो यश में मित्रों की सलाह भी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम साबित होंगे। और कुछ समय से चल रही जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी यश में उनमें सुधार आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप दोबारा अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति यश में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी के साथ भी व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े, ना उलझन के साथ ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसकी वजह से आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है या फिर आपकी मान हानि हो सकती है। तो यश में इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में दोस्तों गुस्से और फिर चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी आ सकती है, आपको इन पर अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों यह समय जो है विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति भी लापरवाह रहेंगे, तो दोस्तों विद्यार्थी वर्ग यह समय सावधान रहने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये लापरवाही आपके भविष्य के लिए बहुत ही नकारात्मक साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपके बारे में गोपनीय बात किसी और को पता चलने की वजह से आपको तकलीफ का सामना भी यशमय करना पड़ सकता है। दोस्तों गलत लोगों के साथ देने की वजह से मान हानि का भी सामना यशमय हो सकता है, इसलिए इनसे दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पैसे संबंधित व्यवहार ठीक से करें। साथ ही दोस्तों आपकी जो प्रतिष्ठा है इसमें बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, तो यश में सतर्कता रखने अति आवश्यक होगा। यश में आपके लिए असावधानी बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अपने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में भी आप सक्षम रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर जो मेहनत है, जो लगन है, आपके सभी कार्यों में यशमय सफलता आपको दिलाने वाली है। परिवार में भी दोस्तों उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके जो कायदे कानून है वह यशमय आप बनाएंगे और इसमें आप अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। घर के माहौल को भी इसमें आप खुशनुमा बनाने में अच्छा योगदान भी देंगे। आपका दोस्तों उदारवादी दृष्टिकोण बच्चों के लिए जो है मिसाल रहेगा। यशमय विद्यार्थियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा रहेगा, लेकिन आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो दोस्तों आपका ध्यान इसमें कहीं और भी भटक सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय असमंजस जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यशमय निर्णय लेते समय किसी से बात ना करें। दोस्तों प्राणायाम व फिर मेडिटेशन करना आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाएगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। किसी भी प्रकार के लेन देन या फिर उधार देने की प्रवृत्ति से यशमय बचें, क्योंकि दोस्तों वापसी की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपको बता दें कि अभी तक आप अपनी योजना पर टिके रहकर जो भी बात तय किए थे दोस्तों उन्हीं बातों को वास्तविकता का स्वरूप देने के लिए आप यशमय सफल भी रहेंगे। फिर भी दोस्तों आपके अंदर और डिसिप्लिन लाने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि संवाद योग्य तरीके से रखने की वजह से किसी के साथ चल रहे झगड़े को खत्म करना आपके लिए यशमय आसान रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कोई महत्वपूर्ण लाभदायक सूचना भी आपको मिल सकती है। प्रभावशाली लोगों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। दोस्तों आपको बता दें कि ये संबंध आपके लिए उन्नति का कारक बनेंगे, आपके नए मार्गों को इसमें ये खोलने वाले हैं, तो दोस्तों इन पर भी ध्यान दें, लेकिन अपने विरोधियों से इसमें आपको सावधान रहने की आशंका है। दोस्तों आपको बता दें कि घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल की स्थिति भी रहेगी। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव आपको जो अपने लक्ष्य से भटका सकता है, आपके मन में गुस्सा आ सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीजों को लेकर इसमें आपको बचना चाहिए, अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपने गुस्से पर इसमें आपको नियंत्रण रखना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप अपने कार्यों में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। तो इन बातों को जो है ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसके उपरांत दोस्तों अगर लोन लेने की योजना बन रही है तो दोस्तों उस पर अच्छी तरह से सोच विचार भी इसमें आप कर लें। किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आपकी मान हानि इसमें संभव होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काफी समय बाद अपनी मेहनत द्वारा परिस्थिति में बदलाव लाना आपके लिए संभव हो रहा है। और दोस्तों अभी तक परिस्थिति भी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं आई थी, इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहें,
जीवन की नई शुरुआत करने का आपको इसमें मौका मिल रहा है, जिसका पूरा फायदा उठाने की यश में आपको कोशिश करना चाहिए। भावनात्मक तकलीफ आपकी यश में दूर होंगी, जिससे दोस्तों यश में आपका मन भी खुश रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश समय कार्य क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते समय घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य लें। ये सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित ही आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। किसी उलझे हुए सरकारी काम में सफलता की उम्मीद भी यशमय बन रही है। विद्यार्थियों को भी किसी विभागीय परीक्षा में अनुकूल परिणाम यशमय हासिल होने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी व्यवसायिक निवेश यशमय ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग ही रहेगी। लेकिन दोस्तों किसी पार्टी द्वारा उचित ऑर्डर भी यशमय आपको मिल सकता है। जल्द ही परेशानी आपका दूर होगी, तो यशमय धैर्य का दामन आपको थामे रखना है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में यशमय सक्षम रहेंगे, जिनसे आपका माहौल थोड़ा सा खुशनुमा भी रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों सरकारी सेवारत लोगों को कोई विशेष अथॉरिटी यशमय मिल सकती है, जिससे दोस्तों आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी कर्मचारी का पूर्ण सहयोग बना रहेगा तथा उन पर विश्वास बनाकर रखना उनकी कार्यों कार्य क्षमता व प्रयोग्यता में और अधिक वृद्धि करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशमय परिवार के साथ हास्य परिहास व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। और दोस्तों सभी में आपसे स्नेह व फिर प्यार यशमय बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में भी आपसे सहयोग और फिर बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर स्नेह परिवार को जोड़कर रखेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इनसे दोस्तों आप यशमय परिवार के साथ आनंदित मूड में भी रहेंगे और परिवार के साथ समय भी व्यतीत करेंगे। पति पत्नी का आपसी सामंजस्य भी यशमय मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक यशमय नैतिकियां आने वाली है। अगर आपका प्रेम संबंध पहले से टूटा हुआ है, तो दोस्तों यशमय आप कोशिश कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यशमय सुस्ती व फिर थकान की स्थिति रहेगी। बढ़ती ठंड से अपना बचाव अवश्य करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन बातों का गौर आपको यशमय करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों तथा वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि दोस्तों यशमय ग्रहों की स्थिति के कारण चोट लगने की आशंका बन रही है, तो यशमय सावधानी आपको बरतनी होगी।